भारत के लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरिया है और जिस तरह से हाल में राज्यों में जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी में और केरल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई उसके लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और देश के पांच बड़े राज्यों में एक पश्चिम बंगाल में जहाँ तृणमूल कांग्रेस पुनः तीसरी बार सत्ता में आई वहीं भाजपा 3 सीट से 77 सीट पर आ गई उसके लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन जीत हार एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें बढ़ी हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो वोट शेयर बढ़े हैं उससे बौखलाई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर फूके जा रहे हैं, कार्यालय फूके जा रहे हैं, उन्हें जान से मारा जा रहा है। एक एक दिन में 20-20 हत्याएं हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हावी होते जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी जैसी नेता को शोभा नहीं देता। उन्हें याद रखना चाहिए कि ये घटना उनके साथ घट चुकी है और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी तरह की घटना उनके साथ भी की थी जब वो लगातार कई महीने व्हीलचेयर पर थी। लोकतंत्र में सबको सरकार चुनने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, सबके अपने पसंद है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरत है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का प्रवास पश्चिम बंगाल में है और आज पूरे देश भर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक बूथ स्तर के अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने घर के सामने पट्टी लगा के विरोध करेंगे तृणमूल कांग्रेस का। ये ममता सरकार घुसपैठियों को बाहर भगाए। धन्यवाद।